घुटन जब आसपास नहीं, अंतरात्मा में हो तो रूह सांस नहीं ले सकती। घुटन जब आसपास नहीं, अंतरात्मा में हो तो रूह सांस नहीं ले सकती। बेड़ियां जब पैरों में नहीं, दिमागी तौर पर बंधी हूं। बेड़ियां जब पैरों में नहीं, दिमागी तौर पर बंधी हूं, तो दुनिया की शय भी आपको आजाद नहीं कर सकती। क्या बात है, वाह तो वाह, दुनिया की शय भी आपको आजाद नहीं कर सकती। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है तन्हा नहीं हूं मैं। तो पंक्तियां कुछ इस कदर हैं कि माना कि जीवन रूपी पर्वतीय सफर में अकेली हूं, माना कि जीवन रूपी पर्वतीय सफर में अकेली हूं, पर इस सफर में तन्हा नहीं हूं मैं। इस सफर में तन्हा नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं कहने को मेरे पास लफ्ज़े कविताएं नहीं, ऐसा नहीं कहने को मेरे पास लफ्ज़े कविताएं नहीं, पर नयन किसी श्रोता सी मोहब्बत को खोजे, पर नयन किसी श्रोता सी मोहब्बत को खोजे। अब दिली तौर पर इतनी भी सुनसान नहीं हूं मैं। अब दिली तौर पर इतनी भी सुनसान नहीं हूं मैं। कोई आएगा और संभालेगा जीवन की नैया मेरी, कोई आएगा और संभालेगा जीवन की नैया मेरी। इस इंतजार की मैं स्वयं भी चाहवान नहीं, इस इंतजार की मैं स्वयं भी चाहवान नहीं। मेरे आंसू पोंछने कोई आए, फिर अपनी सोच अनुसार जीवन की परिभाषा का पाठ आधा अधूरा मुझे पढ़ाए। मेरे आंसू पोंछने कोई आए, फिर अपनी सोच अनुसार जीवन की परिभाषा का पाठ आधा अधूरा मुझे पढ़ाए। ऐसे अधूरे प्रश्न का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं, ऐसे वाह क्या अधूरे बात प्रश्न है, का फियर्सली मेरे जीवन में। इंडिपेंडेंट पोएट, यू आर वेरी फियर्सली इंडिपेंडेंट सोल, थैंक यू सो मच सर, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इज वेरी हाई। शुक्रिया सर। ऐसे अधूरे प्रश्न का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। जिंदगी अकेले सही एहसान युक्त तो नहीं, जिंदगी अकेले सही एहसान युक्त तो नहीं। बस मेरे लिए मेरा स्वयं का हौसला है साथ ही काफी है, मेरे लिए मेरा स्वयं का हौसला है साथ ही काफी है। हाँ माना अकेले चल रही हूँ, हाँ माना अकेले चल रही हूँ जिंदगी की राह पर, किंतु तन्हा नहीं हूं मैं, तन्हा नहीं हूं मैं। वाह धन्यवाद, ब्यूटीफुल। तो शुक्रिया सर। जो मेरे बख्शी साहब की जो मैंने जीवनी लिखी है, जी यू सर, नो द बायोग्राफी, उसका नाम है नकबे किससे बातें यादें। तो उसमें एक लाइन मैंने लिखी है कि बख्शी की लाइन है कि लाइन मैंने जो उनकी मेरे को उनको उनकी जीवनी लिखने में कम से कम 20 साल लग गए, 19 years आई वाज राइटिंग हिज बायोग्राफी। तो लिखते 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 मुझे एक एहसास हुआ कि उनकी जो जिंदगी है बख्शी साहब की, हाँ जी, उसका जो एक देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स आई लर्न्ड फ्रॉम हाँ राइटिंग अ जी, बायोग्राफी, फ्रॉम लिविंग विद हिम एज अ सन, फ्रॉम ऑब्जर्विंग एज अ फादर, ऑब्जर्विंग हिम एज अ लिरिसिस्ट। एंड वन ऑफ द थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व वाज के जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ एक की, ओनली वन, एक ही इंसान की मदद की आपको जरूरत है, ओनली वन, खुद की, बिल्कुल बहुत गुड। खुद की। एक ही इंसान अगर आपके साथ है ना, सिर्फ एक ही इंसान अगर आपके साथ है, ओनली वन, दैट पर्सन हैज टू बी यू, यू विल रीच योर गोल। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम लिविंग विथ हिम राइटिंग हिज बायोग्राफी, कि यार दुनिया ने कहा कि तू कुछ तेरा कुछ नहीं होगा, बेवकूफ है तू, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है, पेंशन वाली नौकरी छोड़ के जा रहा है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहा है बंबई, जहां तेरा कोई नहीं, कोई तेरे को जानता ही नहीं है। लेकिन उनका एक ही इंसान ने साथ दिया शुरू से, बचपन से, कि नहीं मैं ना, मेरा साथ है ना मेरे पास। हाँ आप, जी, आपकी जो पोएट्री है, आपकी जो एंटायर पोएम है, रिमाइंडेड हाँ जी, मी ऑफ माई फादर। उनका जो हौसला था ना इन हिमसेल्फ, फियर्सली इंडिपेंडेंट, फियर्सली सेल्फ बिलीफ, पावरफुल सेल्फ बिलीफ। बिल्कुल सर, ये बहुत आप क्या सुनाने वाली हमें, जरूरी बियॉन्ड या पोइट्री, आप गाना गाने वाली हैं? है। और मैं तो वैसे सर कविताएं लिखती हूँ, गाती भी हूँ, पर मैं पहाड़ी गीत ज्यादा सुनती हूँ। अरे हो जाए पहाड़ी की, तो जाए उसमें क्या, क्या बात हम है, थोड़ी आपको बख्शी साहब के गाने सुनने बैठे बिल्कुल हैं, हम तो, आप किसी का भी गाना सुनाइए हमें, हम तो गानों के सर, शौकीन हैं, थोड़ी बख्शी साहब के शौकीन हैं, हम बिल्कुल तो शायर के भी शौकीन हैं, हम तो मजरू के भी शौकीन हैं, हम तो अच्छी चीज के शौकीन हैं।
पर गायकी में थोड़ा सा मुझे ना एक हिचकिचाहट होती है कि मैंने पता आपको नहीं। क्या था, नेवर बिगिन एनीथिंग, नॉट अ सॉन्ग, नॉट अ जॉब, नॉट अ रिलेशनशिप विद एन अपॉलॉजी। बिल्कुल सर। तो मैं दो लाइन सुना दूं आपको, फिर चार उत्तराखंड मातृभूमि। ठीक चार है। ये गीत देवभूमि माता को समर्पित है। तो ऐसे है कि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार, म्यारा हिमाला हिमाला तेरी जय जयकार, म्यारा हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार, म्यारा हिमाला। ये वैसे ना एक हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि हैं गिरदा जी, ये उनकी कविता लिखी हुई है। तो आजकल तो गीतों के रूप में काफी गाया जा रहा है, और एक नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके भी काफी गीत प्रचलित हैं, तो काफी सुनना पसंद करती हूँ। मजा आ गया, तो रिफ्रेश। आपने तो हमें हमें पहाड़ दिखा दिए बैठे बैठे। बस वही है कि जहां हम जन्मे हो कभी उस मातृभूमि को भूलना नहीं चाहिए लाइफ में, चाहे आपने कहीं तो भी आज चले वाकई जाओ। में करिश्मा कर दिया हमारे हमारे बीच। थैंक शुक्रिया सर, यू शुक्रिया, वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच सर। सर मैं बताऊं करिश्मा के बारे में, शी इज वर्किंग एंड शी इज स्टडिंग, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है और वर्किंग भी है, एंड ऑन संडे शी गोज टू स्कूल, बच्चों को पढ़ाने, जो सोशली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाने जाती है संडे को, एंड शी इज एन सबकी अमेजिंग तरफ पर्सन। से एक्स्ट्रा ताली, एक्स्ट्रा ताली फॉर थैंक यू करिश्मा। सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।